मूवी स्टार्ट होती है हमें दिखाया जा रहा है, दोबी नाम के एक आदमी अकेले एक जंगल में रहता है। उसके पास एक छोटा सा लड़का भी है जिसका नाम है टेरम, एक पिक की रखवाली करता है। उस पिक का नाम है एल्विन। एल्विन एक जादुई पिग है जिससे हम हर चीज पता कर सकते हैं। ये बात टेरविल को पता नहीं है तो उसे दोबिन टेरविल को बता देता है कि ये जादुई पिक है। वो उसमें एक शैतान को देख रहा होता है जो उस पिक के लिए आ रहा था क्योंकि उसे हर चीज पता होता है। तो वो शैतान से बचने के लिए जा रहे होते हैं। तो एल्विन हमेशा की तरह अपने ख्वाबों में गुम हो जाता है क्योंकि उसे महान योद्धा बनने का बहुत शौक है। तो उसका पिक खो जाता है और वहाँ पे बोबन नाम का एक एनिमल उसे आके बताता है उससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है तुम जाओ, तुम बहुत मतलबी हो, कभी खतरा होने के टाइम तुम गायब हो जाते हो। और वो उस महल में चला जाता है अपने पिक को बचाने के लिए। तो वहाँ पे वो लोग पिक को बता रहे होते हैं कि जल्दी बताओ कि एक जादुई बॉक्स ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे टेरम चला जाता है और उसे बचा लेता है और वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन पिक बच जाता है। लेकिन टेरम को वो लोग पकड़ लेते हैं। वहाँ पे क्यूट सी लड़की होती है जो एक प्रिंसेस होती है, उस लड़की का नाम है अलाउड मीन। तो वो उसे बचा लेता है। तब यहाँ पे एक आदमी होता है जिसे भी उन लोगों ने पकड़ा हुआ था, उस आदमी का नाम होता है लोडर। तो वो उसे बचा भी लेते हैं और टेरम के पास वही जादुई तलवार होता है जो सबको मारने लगता है। वो उसके पास और ही ज़्यादा ताकत होने लगता है। वो समझता है कि मैं एक महान योद्धा हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत ही अच्छा लड़ लेता हूँ। और वो वहाँ से भाग चलते हैं और वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई होती है, प्रिंसेस और टेरम की। वो उसे समझा देते हैं, फिर बाद में वो समझ जाते हैं एंड वो खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे फिर से बोगन आ जाता है जो उसे पिक के पास ले जाना चाहता था। और वो पिक के पास ले जाने के लिए उन्हें कुछ बोनस मतलब परियों के पास ले जाता है जो उन्हें कुछ रास्ता बताता है कि तुम उस जादुई बॉक्स के पास कैसे पहुंच सकते हो। वो उसे बताते हैं, लेकिन वो उसे बाद में ज़रूर कहते हैं कि चलो। वो उसको एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे कुछ चुड़ैले होते हैं जो उनसे सौदा करना चाहती थी कि तुम अगर हमें अपना जादुई तलवार दोगे तो हमें तुम्हें वही बॉक्स देंगे। तो पहले तो वो नहीं मानता, बाद में वो मान कर दे देता है और लास्ट में उसे वही बॉक्स मिल जाता है। और वहाँ पे वही शैतान भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये लोग प्लान बना रहे होते हैं कि हम उन्हें कैसे मारे और बस्ट कर दें। वहाँ पे वही शैतान आ जाता है और वो अपने लिए एक बड़ा सा झुंड बना देता है। और सबसे वहाँ पे एक अजीब से शैतान पैदा हो जाते हैं जो सबको मारने लगते हैं। वहाँ पे बोगम आ जाता है और उनकी हेल्प करता है और खुद उस बॉक्स में गिर जाता है। हर चीज़ बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है टेरम को कि ये क्यों किया मैंने बोगम के साथ ऐसा क्यों किया। उसे बहुत बुरा लगता है। वो प्रिंसेस को बचा के और खुद चल के भाग जाते हैं कि हम लोग बच जाए यहाँ से। और वहाँ पे फिर से उन्हें वही बॉक्स मिलता है और वहाँ पे फिर से वही चुड़ैल आ जाती है जिससे वो कहता है तुम बॉक्स उठाओ हमें बोगम दो। तो वो उसे दे देती है। वहाँ पे वो बहुत खुश थी कि यार हमें बोगम मिल गया है, बोगम भी ठीक हो जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।